ये नदी पार करते ही पीओके आ गया। क्या गजब वो गाड़ियां चल रही हैं, पाकिस्तान की वहां पर गाड़ी चल रही है, आई होप आपको दिख रहा होगा। पर इस लोकेशन पे आने के लिए मेरी हालत खराब हो गई है, एक्चुअली बता रहा हूँ। हाँ यार यहाँ से ठीक है। कहाँ से कहाँ से? अरे नहीं, यहाँ कहाँ से बाइक उतारूंगा। बहुत मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम आप जैसे लोगों को चाहते हैं कि सर आप यहाँ पे आए। थैंक यू सर, आपने ये भी बोला, बहुत अच्छी बात है। उतारो उतारो बस, अब उतरेगी। चलो सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटन। पटन एक्चुअली पड़ता है कश्मीर में, और सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं कश्मीर को, अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर को इनफैक्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे आप देख रहे हो बाइक पूरी रेडी हो चुकी है, और पटन एक्चुअली मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया आपको, मतलब मेरे पास खाली एक ही दिन था पटन जैसे, मतलब पटन को एक्सप्लोर करने के लिए। और आप पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये भाई साहब खड़े हैं इधर हमारे, तो एक बार मैं इनसे मिलवा देता हूँ आपको। तो ये अपने आसिफ भाई, इनको ऑलरेडी आप मेरे पिछले व्लॉग में देख चुके हो। तो इन्होंने एक्चुअली मुझे इनवाइट किया था अपने घर पे, और इन्होंने कल मेरे को यार बहुत अच्छा टाइम दिया, और जितना भी मुझे आसपास घुमा सकते थे एक दिन में, इन्होंने पूरी जी जान कोशिश कर दी। सो थैंक यू सो मच आसिफ भाई, और अपना ख्याल रख लेना, इन केस कोई भी दिक्कत भी आ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ डेफिनेटली, बस ये है कि कहते हैं ना जो कश्मीर की कश्मीरियत होती है, तो मतलब कश्मीर में आओगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का प्लान क्या है। एक्चुअली बाइक रेडी हो चुकी है, तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से केरन। केरन एक्चुअली क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का जीरो लाइन है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं, टोटल अनएक्सप्लोर्ड है, पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से कुपवारा, देखते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिट्स बनेंगे, वो सारा डिटेल आपको दिखाता हूँ। बस बाइक पे चलते हैं, और बाकी बातें जितनी भी आपसे बाइक पे करता हूँ मैं। अच्छा सर, हाँ जी, तो चलो आसिफ भाई के घर से निकलते हैं और अपनी सोलो राइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलता हूँ मैं दोबारा। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर, जय माता दी। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं जा रहा हूं केरन। केरन एक ऐसी जगह है, ये है इंडिया, ये है किशनगंगा रिवर, और ये है पीओके। तो अगर आप मेरा टीटवाल वाला वीडियो देखा होगा ना, जो मैं पिछले साल आया था, तो वो थोड़ा दूर है, इनफैक्ट वो थोड़ा डिस्टेंस दूर है इंडिया और पीओके के बीच में। लेकिन ये जो है ना केरन, ये ज़्यादा पास है, मतलब इतनी पास है कि मैं लोगों को हेलो हाय बोल सकता हूँ और मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो एक जगह है जो मेरा फर्स्ट फेज़ है, नेवर सीन बिफोर कश्मीर का, और उसके लिए परमिट्स बनवाने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ से कुपवारा डीसी ऑफिस, वहीं से एक्चुअली टीटवाल के लिए भी या फिर केरन के लिए परमिशन मिलती है। तो मैं पहले भी जा चुका हूँ पिछले साल डीसी ऑफिस, मुझे थोड़ा प्रोसीजर पता है उसका। तो एक काम करते हैं, ये सारा हाईवे वाला मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, कुपवारा चलते हैं, वहाँ से डीसी ऑफिस से परमिट बनवाते हैं, और सारी डिटेल्स उसके बाद आपसे शेयर करता हूँ मैं। सो अभी मैं आ चुका हूँ डीसी ऑफिस कुपवारा, तो यहाँ पर बाइक पार्क कर लेते हैं। और ये है एक्चुअली कोर्ट, यहाँ से मेरा बनेगा एफिडेविट, सारा एक बार प्रोसेस आपको बताऊंगा, एक बार मेरा काम हो जाए ना उसके बाद मैं बताता हूँ। ये फोटोशूट है ना, ये आपको ये कार्ड, ये कार्ड, ये आधार कार्ड, हाँ, उसका एक फोटोशूट लाओ, ये फोटोशूट दिया था। सो फाइनली ये है मेरी एप्लीकेशन जिससे मेरे को आगे परमिट मिलेगा केरन जाने के लिए, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता, ऑब्वियसली डीसी ऑफिस है। तो अभी एक काम करते हैं, पहले अपना परमिट का काम करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सो सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, जो अपना परमिट का काम था वो यहाँ पर हो चुका है, और ये रहा मेरे हाथ में परमिट आ चुका है। एनीवेज प्रोसेस जो है ना वो बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको करना नहीं होता,
बस यहाँ पर ही कोर्ट है, कोर्ट पे आपको जाके एप्लीकेशन लिखवानी होती है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, अपने आधार कार्ड की कॉपी देनी होती है, फोटोज देनी होती है, और जस्ट मेरे पीछे डीसी ऑफिस है, वहाँ पर जाके आपको एसपी सर से साइन करवाने होते हैं। तो इसमें अगर कोई आपको पूछता है ना आप यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या प्लान है आपका, हम कई जगह पर होता है ना, हम बोलते नहीं है कि हम यूट्यूबर हैं, या फिर हम बोलते नहीं है कि यार हम वीडियोज़ बनाने आए हैं। तो यार यहाँ पर आप ना खुल के बोलो कि मैं वीडियोज़ बनाने आया हूँ यहाँ पर बॉर्डर एरिया की पूरी, और जब आप ये बोलोगे ना तो यहाँ के लोग जितने भी ऑफिसर्स हैं सब यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग एक्चुअली चाहते हैं कि ये जो एरिया है, जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, प्रमोट हो, टूरिज्म बढ़े, तो आपको बहुत ज़्यादा वो मतलब अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे जाओ करो जियो। मेरे को तो इनफैक्ट 3 महीने का परमिट मिल गया, वो कहते हैं 6 महीने का चाहिए, मैंने कहा नहीं मुझे 6 महीने नहीं चाहिए, वो कहते हैं 3 महीने का ले लो, जबकि लोगों को हार्डली 5-5, 6-6 दिन का परमिट मिलता है, मुझे 3 महीने का परमिट मिल गया। तो अब यहाँ से चलते हैं और अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं केरन के लिए, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू सर, बाय बाय। तो मैं आपको एक चीज़ दिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं केरन, ठीक है। अब केरन में देखो क्या लिखा आता है, दिस रूट मे क्रॉस कंट्री बॉर्डर्स, वेरीफाई कोविड 19। भाई कोविड 19 कौन देखेगा, गोली मारेगा। भैया केरन जाना मुझे, केरन जाओ राइट में, राइट में यहाँ से राइट ऊपर चढ़ जाऊँ, क्या खाना आपने, रोटी दाल चावल कुछ भी मिल जाए, दाल चावल, हाँ दाल चावल, सीधा ही चलो लेफ्ट में आएगा आपको मलिक दरबार, मलिक दरबार, भूख लगी है, मलिक 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 मलिक। तो अभी अपना वही रेगुलर खाना आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कोशिश करी कि मुझे दाल रोटी कुछ ऐसा मिल जाए, पर अभी इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा। तो देखने में तो यम्मी लग रही है, इसको फिनिश करता हूँ और उसके बाद अपनी राइड दोबारा कंटिन्यू करेंगे। भैया मेरा वीडियो देख रहे हैं, भैया मेरा वीडियो देख रहे हो। ये एक्चुअली जो रूट दिखा रहा है, दिखा रहा मुजफ्फराबाद से होते हुए POK के अंदर घुस के केरन उस वाले एरिया से दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो मैप है, जैसे मैंने बताया इंडिया के मैप में वो POK सारा दिखाया जाता है, तो इसको भ्रम हो गया है, बॉर्डर पार करवाएगा ये। सो मेरी एंट्री हो चुकी है चेक पोस्ट नंबर 2 पे भी, वही सारी डिटेल्स मांगी मेरे से, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बाइक नंबर बोलो, बाइक का मेक बोलो, नाम क्या है, वो सारी डिटेल्स लिख ली, और यहाँ पर भी परमिट का नहीं पूछा। तो ये लिखा वेलकम टू फरकियां गली उस्ताद रागिनी। तो ये आगे हम अब दो रास्ते जा रहे हैं, एक नीचे से जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा है, ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले पे जाएंगे, पता मुझे है नहीं, बट ऊपर अच्छा रोड लग रहा है। तो मैं गलत रास्ते आ गया, वो वाला नीचे वाला रास्ता था, नीचे वाला। और ये रास्ता जा रहा है ऐसी बस्ती पे, कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आर्मी एरिया है। तो यहाँ से मैं ऊपर चढ़ गया था ना, पर यहाँ से ऊपर नहीं है, यहाँ से नीचे है। तो अभी यार बिल्कुल सुनसान वैली के अंदर आ गया हूँ, मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा इस वाले रूट पे। तो ऊपर तो कुछ तो गाड़ियाँ दिख रही थी आर्मी की, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, और यहाँ से बस हेयरपिन बेंड्स दिख रहे हैं बस नीचे जाने के लिए, बहुत नीचे जाना है। कोई मिल जाए ना एक बार कंफर्मेशन हो जाए यही रूट है, वैसे तो दो ही रूट जा रहे थे, एक वो ये रहा कोई और। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया केरन, कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल भी नहीं दिखा रहा यहाँ का रूट, एक्चुअली नहीं दिखा रहा गूगल, ये दिखा रहा वहीं से ही मुजफ्फराबाद से ही, मतलब वो कह रहा है जाना तो तेरे को POK से ही जाना पड़ेगा, यहाँ से रास्ता नहीं है। क्या कुल्फी? मैं कुल्फी थोड़ी बेचता हूँ। हैं? कुछ नहीं बेचता मैं, तुम्हें कैसे पता बेचता हूँ? 5 रुपए वाली कुल्फी चाहिए? नहीं है यार, कितनी वाली है? तुम्हारे पास है तो मेरे को दे दो, मेरे को भी खानी है। इसमें क्या है? इसमें तो सामान है मेरा। क्या सामान? घूमने आए हैं यहाँ घूमने। सो अब मुझे लगता है कि मैं जो ग्राउंड लेवल है ना, बेस लेवल है, वहाँ पर आ चुका हूँ। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा ऊपर पहाड़ों में था, बहुत ऊपर था, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑफ रोड पैच करके नीचे आया हूँ, लेकिन रोड देखो कितनी प्यारी रोड बना रखी है, यही कह रहा हूँ मैं, टोटल अनएक्सपेक्टेड है। मेरे को पता तो है नहीं इस रूट के बारे में कुछ भी, प्रॉपरली देखा तो है नहीं ये रूट कैसा है, ऑफ रोड है या हाईवे है, कैसा मतलब क्या बना क्या रखा है यहाँ पर, लेकिन ऊपर ऊपर वो उतनी ऊपर पहाड़ से आ रहा हूँ, वहाँ ऑफ रोड था, और यहाँ देखो यहाँ तो मैंने न्यूट्रल कर रखा है बाइक को, न्यूट्रल पे भी तीसरी गियर पे बाइक लगी हुई है और 58-60 की स्पीड चल रही है, मैं एक्सेलरेशन छोड़ रखा है, देखो इससे इमेजिन कर सकते हो कितनी मुझे ब्रेक मारनी पड़ रही है, ऐसी रोड है। गुड जॉब गुड जॉब,
रोड के लिए गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। भैया हरियाणवी गाने सुन रहे हो आप? हरियाणवी गाने सुन रहे हो? भैया हरियाणवी गाने सुन रहे हो? सुनो। अच्छे लगते हैं हरियाणवी गाने। तो अभी राइड ना इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत चल रही है, मुझे मतलब सच बताऊं तो 1% भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतनी ऊपर पहाड़ से आऊंगा और पहाड़ से नीचे उतर के इतनी खूबसूरत वैली में आ जाऊंगा। एक्चुअली पीछे क्या है, मेरे सारे आर्मी एरिया तो उधर मैं ज्यादा नहीं फोकस करूंगा, बट अभी एक जगह पर मैं आया ना तो यहाँ पर एक मुझे स्टॉल दिखा, तो मुझे लगा ठीक है अभी जल्दी पहुंच के करूंगा भी क्या, अभी तो खाली 3 ही बजे होंगे हार्डली। तो अभी ये भैया का स्टॉल है, भैया क्या नाम है आपका? कलंदर मलिक सर। कलंदर मलिक जी सर। तो ये बताओ ये कितना पुराना आपका स्टॉल है? मेरे को 8-9 साल हो गए सर। 8-9 साल हो गए जी सर। जी तो सर। टूरिस्ट तो अभी आना शुरू हुआ है, तो ये पहले कैसे चलता था सर? यहाँ सिविल जनता के लिए, यहाँ अभी रोड बना, अभी ब्लैक टॉप हुआ, तो टूरिस्ट आना शुरू हो रहा है अभी? हाँ सर अभी तो हो रहा है शुरू। तो आप चाहते हो ज्यादा टूरिस्ट आए यहाँ पर? जी सर आए, टूरिस्ट आने में तो हर एक वो भी एंजॉय करेंगे आकर, यहाँ पर हमारा भी रोजगार बनेगा सर। हाँ तो देखो ना यहाँ पर लोकल लोग क्या है, यही चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए और इन लोगों का भी काम चले और आपको भी एक अच्छी सी अच्छी लोकेशन यहाँ पर देखने को मिले। बहुत अच्छा है सर। आप यही लोकल ही हो? जी सर। जी सर। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है बट फिर भी कुछ लूंगा जरूर, क्योंकि कुछ भी देने से मतलब कुछ खाने पीने से इन लोगों का काम चलता है, तो मुझे कम से कम एक फ्रूट ही दे दो आप। दे दो सर। तो एटलीस्ट आओ ऐसी जगह पर ना तो कुछ ना कुछ खरीद लिया करो, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट छोटी छोटी 10-20-50 रुपए खर्च कर दोगे ऐसी जगह पे तो इनका भी काम रोजगार अच्छा चलता है। भैया एक बार बाय बाय बोलो इन्हें। ओके सर। तो अभी कुछ ऐसी अमेजिंग सी लोकेशन पे हूँ, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड वैली। ये देखो ये खड़ी चार्ली, ये देखो कितना अमेजिंग और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, कितना अमेजिंग और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पर कोई भी नहीं है इस वैली में, लेकिन ऐसी वैली में आके इतना अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है, जो मैं अकेला इस जगह पर हूँ, सोलो, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, तो यहीं पर ही खड़े चार्ली। अब चलते हैं यहाँ से, किरण पता नहीं अभी यहाँ से रह गया होगा 7-8-9-10 किलोमीटर शायद, चलते हैं अभी। ओ भाई कहाँ से रास्ता, ये सही रूट भी है या नहीं है पूछना पड़ेगा लग रहा है, पर पूछना ज़्यादा बेटर रहेगा। लैंडस्लाइड एरिया दिख रहा है भाई, पता लगे आगे तो चला गया लेकिन वापस ही ना आ पाया, पूछना पड़ेगा पीछे किसी के पास जाके कि केरन के लिए यही रास्ता है या नहीं है। वैली तो बहुत खतरनाक ही लग रही है भाई साहब। ओ भाई सर केरन का ना, केरन यही रास्ता नीचे वाला ही है। ठीक है आप कंफर्मेशन हो गए ना, आपको टेंशन नहीं है, इसका मतलब आबादी है आगे, पूरा गाँव है। अब ऐसी किसी लोकेशन में मैं चला जाऊँ और मेरे को कोई आगे आदमी ना दिखे, इंसान ना दिखे और गलती से यहाँ लैंडस्लाइड हो जाए, भगवान ना करे, तो इट्स बेटर जब आप सोलो होते हो ना तो ये सारी चीज़ें ना देख के चलनी पड़ती हैं। तो ये देखो ये है रूट किरण के लिए। मैं वहाँ पर कहीं पर सोच रहा था कि नहीं यार गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर एक बार ये पार कर लिया लैंडस्लाइड एरिया तो मैं फंस सकता था, पर मैं पीछे गया, कन्फर्मेशन हो गई कि नहीं यही रूट है। एक बार बस मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, मेरे को फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ गूगल मैप नहीं चल रहा प्रॉपरली, रूट नहीं दिखा रहा ढंग से। बस एक बार कंफर्मेशन हो गई ना मेरे को, अब मेरे को तसल्ली, अब मैं आराम आराम से टाइम लेके कर सकता हूँ सब कुछ। कितना अमेजिंग व्यू है ना, नेवर सीन बिफोर कश्मीर, कश्मीर ऐसा जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, वो चीज़ है ये, है ना, सो ब्यूटीफुल है ना। देखो एक ब्रिज सा बना हुआ है, नाइस।
कहाँ जा रहा हूँ यार, अमेजिंग व्यू, सच बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो रहा है एकदम। जो मुझे पसंद है ना करना, वही मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। कितना दूर है आप किरण यहाँ से? बस 1 किलोमीटर। पक्का? वो है ना किरण, वो सामने जो दिखाई दे, यहाँ वोल्ट नहीं चलता? कौन चलता है? जियो भी नहीं चलता? ओ जियो का ही कोई चल रहा ही नहीं है, देखो ना, कंप्लेन करनी पड़ेगी है जियो में। ये कैमरा किसने लगाया? हाँ हेलो बोलो। हाँ हेलो बोलो। हेलो बस। अब समझ गए, अब समझे वो है। चलो भाई। काफ़ी देर खड़ा रहा इनके साथ, गप्पे मार रहा था, इनको लगा मैं जियो से हूँ। ये कहते कहाँ से हूँ, मैंने कहा यूट्यूब से। इनको लगा मैंने जियो बोला, कह रहे जियो से हो, कहाँ चलता है, वोल्ट ही नहीं आता हमारा तो, सिग्नल नहीं आता, कुछ करो। दूसरा कहता है यहाँ का मत करो, ऊपर वाले गांव का करो। सर कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, घूमने आए, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। केरन पहली बार आ रहे हैं? हाँ जी, बहुत मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम आप जैसे लोगों को चाहते हैं कि सर आप यहाँ पे आए। थैंक यू सर, आपने ये भी बोला, बहुत अच्छी बात है। आप आगे जाइए, वहाँ पे एक टेंट वैली लगी हुई है, राजा कैंप। राजा टेंट आपको किसने बताया था सर? सर पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जहाँ जाते हैं हम। राजा टेंट मेरा ही है सर। हाँ। राजा टेंट वैली पे मेरी है, वहाँ पे आपको सबको रहने खाने पीने का इंतजाम सर। मेरी बात हो गई थी। किन से सर? नाम याद नहीं, शायद राजा से ही हुई थी। मैं हो गया, हफ्ता हो गया। अच्छा हफ्ता हो गया। यहाँ से जाके हमारे इलाके को आप प्रमोट? हाँ कोशिश कर रहे हैं कि प्रमोशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पर भी देखें। सुंदर वैली है इतनी, अंदर अंदर है। बिल्कुल सर, है ना? नहीं, आप जब आगे जाएंगे आपको और इससे ज़्यादा सुंदर मिलेगा। ओके थैंक यू सर। सो मेरी एंट्री हो गई ये, लेकिन मैं आपको एक बहुत क्विक अपडेट दे रहा हूँ भाई, बिना परमिट के मत आना। परमिट लास्ट पॉइंट पे, परमिट के बिना अंदर नहीं आने देंगे। ये बिल्कुल लास्ट परमिट है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट है जहाँ से एंट्री करनी है। काफ़ी देर पूछा मुझसे, क्या करने आए हो, क्या करते हो? 15-20 मिनट सर से बात हुई, तसल्ली से सर ने बात करी। अच्छा नीचे से भी जाना है, वो मेरे को आर्मी ऑफिसर ने बोला कि पानी में से जाना पड़ेगा, लेकिन पानी में से थोड़ा सा। हाँ कुछ नहीं। हाँ यार यहाँ से ठीक है। कहाँ से? कहाँ से? अरे नहीं, यहाँ कहाँ से बाइक उतारूंगा? अरे यार बीच में फंसा दिया काका ने, शिट। अब मैं आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं आ सकता, शिट यार। काका एक मिनट, तो यहाँ क्यों बुला दिया काका मेरे को? यहाँ से बाइक कहाँ से निकलेगी? आगे आगे लो सीधा, कहीं से भी, नीचे से, आगे से, कहीं से भी। हाँ मैं पास। हाँ बस बस बस, आप उतारो कोई चीज़, क्या सीधे रहा, उतारो उतारो बस, अब उतरेगी। चलो चलो चलो, आसान आराम से, आराम से, कोई आप जगह। भाई वहाँ से आना था ना? हाँ मैं वहीं से आ रहा था, काका ने कहा कि यहाँ जाओ, मैंने कहा ठीक है इधर से आया था। कोई बात नहीं, चढ़ जाओ। रेंज दे यार, बस राइट उधर से लेना, लो वापस, और लो और लो, ठीक है। अब पैर रखने की जगह ही नहीं है। जाएगा ना आपके साथ, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं साथ में, इसको साथ में बिठाएंगे वहाँ तक आपको। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इनक्रेडिबल सीन। ये खड़ी चार्ली, ये जो रोड जा रही है ये है सारा इंडिया, ये जो है ये है किशन गंगा रिवर, और वो आपको दिख रहा है ये सारा है पीओके। ये जो आपको ये सारा दिख रहा है ये है पीओके, ये पहाड़ दिख रहे हैं ये है पीओके, और वो जितना भी सारा एरिया दिख रहा है वो पीओके। ये रहा, ये रहा, मेरे से शायद 25-30 मीटर पे ही है,
ये नदी पार करते ही पीओके आ गया। क्या गजब वो गाड़ियां चल रही हैं, पाकिस्तान की वहां पर गाड़ी चल रही हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। पर इस लोकेशन पे आने के लिए मेरी हालत खराब हो गई है, एक्चुअली बता रहा हूँ, गजब। तो ये सारा भी मुझे रूट पार करते करते अभी मेरे को वहां 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 और अभी वो आपको दिख रहा है वहां पर जाना है मुझे। और यार मैंने इतना तो टीटवाल भी नहीं देखा था भाई, ये यहाँ पर लोग भी दिख रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी वहाँ पर जाऊँगा ना, हेलो हाय करूँगा वहाँ पर। अमेजिंग, वेरी नाइस, है ना भैया। वो वाला जो है वो वाला एरिया वो पीओके है ना, वो सारे पहाड़ जितने भी हैं वो घर बने हुए हैं। और यहाँ वाला सारा इंडिया है, ये किशनगंगा रिवर है ना, अमेजिंग। तुम कल मिलेंगे फिर, ठीक है ना, ओके बाय। बहुत बढ़िया लड़के थे, काफ़ी देर बातें करी, चीज़ें बताई, और जितने भी लोग आ रहे हैं इतना खुश हो रहे हैं देख के, उनको इतना अच्छा लग रहा है कि दिल्ली से कैसे बाइक पे आ गए भाई, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकमिंग है यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये देखो इनक्रेडिबल, ये बीच में हो गया किशनगंगा रिवर, और उस साइड पे वो वाली साइड पे वो हो गई नीलम वैली, उसको वो नीलम वैली बोलते हैं इस वाली साइड को, और वहाँ के लोग इसको नीलम रिवर बोलते हैं, लेकिन हमारी साइड पे इसको किशनगंगा रिवर बोला जाता है, तो हम लोग किशनगंगा रिवर बोलेंगे। पानी का फ्लो बहुत तेज़ है और कह रहे कि गहरा बहुत है, तो देख लिया, चलो शुक्र है उन्होंने। यहाँ पर लोग बैठे हैं, देखो ये रे कैंप्स लगे हुए हैं, टेंट लगे हैं, रात को मैं यहीं सोऊंगा, बिल्कुल पीओके के सामने सोऊंगा। इरिगेशन गंगा रिवर सामने पीओके, भाई साहब ओ फिश। क्या अल्टीमेट फीलिंग है भाई साहब, मैं एक्चुअली में वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता आपको। वो रहा पीओके, किशनगंगा रिवर और इंडिया, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल सीन्स भाई। हेलो 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 हेलो, वो अंकल हेलो कर रहा भैया, हेलो भैया हेलो कर रहे मेरे को। यहाँ कोई नहीं आता बाइक ले भैया, तो मैंने भैया लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि भैया मुझे जाना है यहाँ से बाइक लेके, तो उन्होंने फट्टा ही तोड़ दिया अपना। क्या बात है भैया, थैंक यू सो वेरी मच। सो अभी का सीन और मेरी एक्साइटमेंट मतलब इतने परे हो चुकी है ना, पार हो चुकी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतना क्लोज बॉर्डर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। टीटवाल भी मतलब इसको मैं कहूंगा पीछे हो गया फिलहाल में, क्योंकि टीटवाल में क्या होता है, आर्मी दिखती है और कुछ नहीं दिखता। बट यहाँ पर जस्ट मेरे पीछे मैंने जैसा आपको दिखाया, ये सारा जो है ये सारा पीओके का एरिया है। तो अभी मैं आपको अपडेट दे दूँ क्या है, यहाँ पर मैंने बाइक खड़ी कर दी है, एंड पॉसिबली द फर्स्ट बाइक जो यहाँ तक नीचे तक आ गई है। नीचे बाइक्स आती नहीं है, अगर कोई आ भी गया लोकल तो ऊपर या दूर कहीं खड़ी करता है। साथ में यहाँ पर जो अपना कैंप्स है इन्हीं की प्रॉपर्टी है, तो आज मैं इसी कैंप में रहने वाला हूँ, बिल्कुल पीओके किशनगंगा रिवर के बिल्कुल सामने। आज यहीं पर स्टे करेंगे और खाना वाना सब यहीं खाएंगे। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज, तो आज मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहा, आज का मैं व्लॉग इतना ही रख रहा हूँ। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रखे हैं। सारी चीज़ें अब मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा पीछे आप देख रहे हो ये है कैंप, तो अभी इन लोगों से बहुत सारी बातें करूंगा और आपको ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा जो आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी होंगी। आई स्वेयर ना कभी सुना होगा ना कभी आपने ऐसा देखा होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम केरन। Bye-bye.